हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू किरण्स किचन। आज आप सबके साथ मैं चिकन कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए चिकन 300 ग्राम पर बोनलेस होना चाहिए, और उसे हम ग्राइंड करेंगे। और उस ग्राइंड करते समय जो हमें मसाले चाहिए, वो सब मसाले हैं, हमें सबसे पहले चाहिए 3 सूखी साबुत मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच सौंफ का, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, और चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, छोटा चम्मच चिकन मसाला, आधा चम्मच छोटी इलायची, हरी इलायची पाउडर, और चाहिए आधा चम्मच हमें 1/4 स्पून, आधा चम्मच तो नहीं है ये, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून हमें चाहिए काली मिर्च, और 1 छोटा चम्मच नमक। ये सारे मसाले हमें चिकन जो हम ग्राइंड करके रखेंगे, ये सारे मसाले जो पिसे हुए मसाले हैं सब हमने उसमें मिक्स करने हैं, लेकिन सिर्फ 1 साबुत मिर्च है जो हमें ग्राइंडर में पीसनी पड़ेगी, ग्राइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये साबुत है। तो सारे मसाले मिक्स करके चिकन में हम रख लेंगे। हमारा चिकन तैयार हो गया है कबाब बनाने के लिए। ये सारे मसाले मैंने इसे मिक्स कर दिए हैं। पहले तो चिकन ग्राइंड कर रहा है मैंने, जो बोनलेस चिकन था, और फिर जो सारे मसाले थे वो सारे इसमें मिक्स कर दिए हैं। लाल मिर्च को भी मैंने पीस दिया है, और ये हमारा अब तैयार है। तो चलिए फिर हम तैयार करते हैं। अब हमें ग्रेवी के लिए, पहले तो मैंने आपको बता दी कि चिकन कबाब हम किस तरह से मसाला मिक्स करके रख दिया है, अब कबाब बनाने हैं। लेकिन साथ में आपको ये बता रही हूँ कि जब हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे तो हमें फिर ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी के लिए हमें क्या चाहिए, चिकन कबाब की ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 2 छोटे प्याज कटे हुए, 4 छोटे टमाटर, 3 हरी मिर्चें, बड़ी वाली मिर्चें हैं 3, और चाहिए लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और धनिया। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, ये देखिए एक रॉड है जो कि आपके घर में भी होगी, तो हम इस, ये अगर नहीं है तो मार्केट में भी मिल जाएगी। मैं इस पे आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरह से कबाब बनाना बता रही हूँ मैं आपको। और देखिए यहाँ पे मैंने पानी भी रख दिया है गैस पर, कढ़ाई में पानी भी गर्म हो रहा है। हम इसे थोड़ा सिम कर देती हूँ पहले यहाँ से कबाब, और जो ही मैं इस पर बनाती जाऊंगी और साथ साथ मैं इसे बॉईल भी करती जाऊंगी। अब इसे जितना बड़ा जिस तरह से फैलाना चाहें आराम से फैलाया जाएगा। और एक चीज बता दूं आपको कि कुछ लोग जब कबाब बनाते हैं तो अंडा तोड़ के जिसका वाइट है उससे भी थोड़ा मिक्स करते हैं, बट मुझे नहीं चाहिए। ये आराम से बन रहा है, ना ही कोई बेसन चाहिए, कुछ भी नहीं। नॉर्मल जो चिकन मसाला मैंने बनाया था चिकन कबाब का, ये देखिए मैं इसे आराम से पानी में, गर्म पानी में, ठंडा नहीं है पानी, गर्म है, इसमें इसे छोड़ देती हूँ। मैंने डाल दी इसमें व्यूज, देखिए अब ये पकने लगे हैं, अब ये पक चुके हैं। अब इन्हें हम किसी एक बाउल में निकाल देते हैं और मैं ग्रेवी तैयार करती हूँ। हमारी कढ़ाई जो है ये गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं 1 छोटा चम्मच बटर डाल रही हूँ। बटर लगा दिया है मैंने इसमें पूरा कढ़ाई में। अब इसमें मैं एक एक करके कबाब रख दूंगी। ढक देती हूँ जब तक ये एक साइड से पकेगा, फिर इसे मैं 1 मिनट के बाद पलटूंगी दूसरे साइड से। अब हम इसे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। अब मैं इसे पलट रही हूँ, देखते हैं एक साइड से, अब इसे दूसरे साइड से भी हम इसे पकने देते हैं। थोड़ा कलर ऐसे ही लाइट लाइट ब्राउन। अब मैं इसे निकाल रही हूँ, पक चुका है ये दोनों साइड से। अब मैं इसे एक बाउल में निकालना शुरू कर देती हूँ, फिर हम इसके पीसेस करेंगे। पीसेस वैसे आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसके सिर्फ 3 पीसेस करूँगी मैं। अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ, तो 1 चम्मच, बड़ा चम्मच मैंने बटर का डाल दिया। आप अगर बटर नहीं यूज़ करना चाहते, ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे आज बटर का एक बड़ा चम्मच डाल दिया है। और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ, और प्याज में इन्हें ब्राउन होने तक
भूनूंगी। अभी मैं इसे छोड़ देती हूँ, अभी इन्हें मैं एक दो मिनट के लिए छोड़ देती हूँ जब तक ये तैयार हो जाएंगे। मैंने बना दिया, देखिए अब जो प्याज है ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है हल्का हल्का, लेकिन इसी में हम डाल देंगे अब हरी मिर्ची जो मैंने कटी हुई थी, दो तीन मिर्ची हरी मिर्ची काट के रखी हुई थी। और मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया, आधा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ, आधा मैं गार्निश के लिए रख रही हूँ लास्ट में। इसे मिक्स कर रही हूँ अब मैं, ये इसे थोड़ा सा इसे थोड़ा सा, और बटर में थोड़ा फ्राई होने देती हूँ। और हाँ, नमक डाल देते हैं हम अपने इसमें एक चम्मच, छोटा चम्मच, क्योंकि एक छोटा चम्मच मैंने पहले भी जब मैंने चिकन को ग्राइंड करा था कबाब के लिए तब भी मैंने एक चम्मच डाला था, और अभी भी मैं एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। और इसे मैं सॉटे करती हूँ, वैसे हल्का हल्का भून रही हूँ मसाला। अब मैं इसमें रेड चिली डालती हूँ, लाल मिर्च डाल देती हूँ, और थोड़ा चिकन का मसाला डाल देती हूँ। अब देखिए चिकन मसाला डाल रही हूँ, अब ये हो गया है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर डाल देंगे। वैसे फिर से मैं एक मिनट के लिए पकने छोड़ दूंगी। हमारी ग्रेवी जो है पूरी तरह से तैयार हो गई है, अब मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ, मिक्स कर दिया मैंने। देखिए कबाब भी इसमें ढल गए हैं, ग्रेवी पूरी तरह से, प्याज भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है ये। अब इसे हम 5 मिनट के लिए, इसमें थोड़ा हम रसा डालते हैं, ये वही रसा है ये जिसे मैंने कबाब बॉईल करा था, वही पानी जो है बॉईल हो गया था वो मैंने रखा हुआ था, ड्रेन नहीं किया था मैंने वो, क्योंकि हम उसे घेरेंगे नहीं, हम उसे इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी में, तो वही मैंने अब इसमें डाला है। और अपने से ढक दूंगी। बस देखिए अब तैयार हो चुका है ये हमारे कबाब, चिकन कबाब पक चुके हैं। अब इन्हें मैं एक बाउल में डाल दूंगी और इसे गरम गरम चावलों के साथ सर्व करेंगे। अब इसे मैं बाउल में डाल रही हूँ। हाँ तो व्यूवर्स, हमारे चिकन कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें गरम गरम चावलों के साथ या नान के साथ या फिर गरम गरम फुलकों के साथ आराम से सर्व कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज की आपको जो ये मेरी रेसिपी है बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ व्यूवर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।